नमस्कार दोस्तों, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिश्री। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निगम चुनाव की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। 4 मई को मतदान भी होना है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं निर्दलीय महापौर पद के दावेदार और दूसरी आज़ादी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नीरज जी। तो आइए उनसे हम चुनाव के मुद्दे पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे एमटी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी, आपने महापौर पद के लिए कैसे मन बनाया, कैसे मतलब आपने क्या सोचा कि हाँ आप महापौर पद के लिए दावेदार बनेंगे? आप सबको मेरा हार्दिक नमन जी, प्रयागराज वासियों को मेरा हार्दिक नमन। आज़ादी की लड़ाई का केंद्र इलाहाबाद है जी, प्रयागराज है। यहाँ से देश को आज़ादी मिली है, पूरे राष्ट्र को दिशा दी गई है जी, और देश की सरकार दिल्ली में है, प्रदेश की सरकार लखनऊ बैठती है और प्रयागराज नगर निगम की लोकल सरकार होती है जी। तो मेरा मन जो है इस बात से है कि कम से कम मुझे एक अवसर मिले जी, हम एक उदाहरण पेश कर सकें जी कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किस तरह से व्यवस्था चलनी चाहिए। उस व्यवस्था को चलाने के लिए, दिखाने के लिए अपने 25 साल का तजुर्बा है मेरे पास में, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं महापौर चुनाव लड़ रहा हूं। तो सर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे हैं 25 साल के तजुर्बे के बाद जी, लोगों के आंखों देखे दर्द, लोगों के बिलकते हुए चेहरे जी के आधार पर हमने घोषणा पत्र तैयार किया और उस घोषणा पत्र में हमने इस तरह किया है, ये व्यवस्था करी है कि आजादी, यहां से इस देश को आजादी दी गई है, इस देश को यहां से आजादी मिली है। आजादी तो मिल गई, आजादी का स्वाद नहीं मिला जी। तो आजादी का सही स्वाद दिलाने के लिए, जैसे इस देश से अंग्रेज तो चले गए जी, जी। पर आजादी का स्वाद जो व्यवस्था मिली थी तो नहीं मिली, तो आजादी मिली मगर स्वाद नहीं मिला आजादी का, उसके लिए हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। तो आपके हिसाब से किस तरह से होना चाहिए आजादी? तब मैंने अपने आंखों देखे जो समाज के दर्द, लोगों के दर्द थे, उसके हिसाब से मैंने सोचा जी कि नवजात शिशु के जन्म लेते ही जी अगर हम 50,000 रुपए फिक्स कर देते हैं तो इंटर करने के बाद बच्चा जी उसको करीब हमने जो निकलवाया है वो 18 लाख का आ रहा है, मगर मैं उसको 18 लाख ना कहकर ये कह रहा हूं 10 से 20 लाख के बीच में निश्चित मिलेगा, 10 लाख के ऊपर तो निश्चित मिलेगा जी। और जिस बच्चे को 10 लाख रुपए मिल जाता है तो वो अच्छी कोचिंग कर लेगा जी, कोई असफल होकर के कोई अच्छा व्यवसाय कर लेगा और कुछ व्यवस्थाएं कर लेगा। मैंने देखा है 2-4 हजार रुपए न होने की वजह से पूरे पूरे बच्चों का पूरा भविष्य चौपड़, बड़ी बड़ी अच्छी प्रतिभाओं का भस्म हो जाती है। तो मैंने ये देखा कि भाई कैसे देश समाज को कैसे बचाया जा सकता है जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर 50,000 फिक्स हो जा रहा है उससे ये होगा कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा जी। और अगर बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा, बड़ी सोच और बड़ी ऊर्जा के साथ में देश समाज में रहेगा, वो बच्चा 50,000 मदद पाया हुआ बच्चा कभी आप आने वाले समय में वो 10 लाख किसी मदद कर सकेगा। तो नीरज जी, आपने ये जो पॉलिसी बनाई है 50,000 रुपए नवजात बच्चे के खाते में डालेंगे, तो ये बजट आपने कहां से बनाया? आप जनता का टैक्स बढ़ाएंगे तब आप ये बजट निकालेंगे? देखिए, मैंने कहा है हाउस टैक्स 25% माफ करने के लिए, वाटर टैक्स फ्री करने के लिए, और हमने कहा है लोग अपने मकान में रहते हैं, लगे कि हम अपने मकान में रहते हैं, महसूस ना करने पाए हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हम टैक्स बढ़ाने तो नहीं जा रहे हैं, टैक्स को खत्म करने जा रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति को सुखी बनाने का मेरा संकल्प है। ये जो घोषणा पत्र के हिसाब से जो मैंने नवजात शिशु के लिए हमने व्यवस्था करी है जी, आप किसी को ये नहीं पता नगर निगम का बजट कितना है जी, बस सब ये जानना चाहते हैं, सबकी मनसा इच्छा ये है कि कहां से आएगा जी, बिल्कुल ये चिंता का विषय मेरा है कि कहां से आएगा। तो जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक अपना मंत्र बताया है? वैज्ञानिक और राजनीति नहीं, राजनीति तो वैज्ञानिक, अगर हमने कोई चीज बताई अभी मैं आपको वो चीज बताऊंगा फिर आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, फिर आप उससे कुतर करोगे, फिर और लोग कुतर करेंगे। हमारा ये कहना है कि आम का पेड़ है उसका आम खाइए, आम कैसे मिलेगा ये मुझे पता है ना, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके मैं कुतर्क नहीं कर रहा। मैं कभी किसी को न लड़ाता हूं न लड़ाने का काम करता हूं, मेरा काम केवल इतना ही होता है कि मैं जनता को सुख कैसे पहुंचाऊं। यही नहीं, 50 लाख का बजट जो मेरा है ये इसका बच्चों का फीस करने का, वो यही नहीं,
मैं कैसे क्या व्यवस्था करनी, बहुत अच्छे से मैंने योजना बना रखी है, 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन इस प्रयागराज में कैसे आएगा, मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से योजना बनाई है जिसमें से 1 से 1.5 करोड़ रुपए मेरा घोषणा पत्र है उसको मैं उसमें खर्च होगा, उस घोषणा पत्र को पूरा करने में खर्च होगा 50 लाख रुपए प्रतिदिन मैं बचा करके जो बचेगा महीने के लास्ट में जो 1 सप्ताह बचेगा उसमें उन लोगों के लिए होगा करीब 14-15 करोड़ रुपए का बजट होगा मेरे पास में हर माह। तो डॉक्टर नीरज जी जो आपका घोषणा पत्र है उसमें और किस तरह की योजनाएं हैं? आप पहले मेरी बात एक सेकंड सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 15 करोड़ रुपए के आसपास जो आएगा उसमें से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो हो जाएगा निकल जाएगा पर 50 लाख जो मेरे पास बचेगा पूरे महीने का वो करीब 15 करोड़ रुपए होगा जी। वो मैं उन लोगों के लिए रखूंगा जिनके ऊपर कर्ज है, कर्ज से जूझ रहे हैं। अगर किसी ने किसी को कर्ज दे दिया ना उसके पूरे परिवार की इज्जत लेना चाहता है, मैंने आंखों से दर्द देखे हैं, ब्याज पे लोगों ने पैसा ले रखा है, बहुत सारे सक्षम लोग हैं किसी कारणवश दैवी संपदा दैवी शक्ति के कारण कोई आपदा के कारण उनका व्यवसाय चौपट हो गया, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो मैं उन व्यवसायों को चलाने के लिए और परेशान लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। तो मेरा जो घोषणा पत्र है वो सबसे पहले ये है कि 50,000 बच्चों को फिक्स डिपॉजिट करना है जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। फिर दूसरा मैंने रखा है पेंशन योजना जी। पेंशन योजना में कोई सब्जी वाला है जी, कोई रिक्शे वाला है, कोई अच्छे पत्रकार बंधु है, तमाम और लोग हैं, किसी कारणवश परिस्थितियों बस खराब समय आ जाता है, बुरा समय आ जाता है, उस पेंशन योजना के तहत मैं उनको सम्मानजनक स्थिति में जीने का अधिकार दिलाना चाहता हूँ, इसलिए पेंशन योजना रखी मैंने। फिर मैंने कहा, मैंने देखा है 50 रुपए कम हो जाने पर लोग सिलेंडर नहीं खरीद पाते हैं, आज सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, उस इतने महंगे सिलेंडर की वजह से मैंने कहा कि आपको कोई 5 रुपए सिलेंडर का देना होगा, शेष हम अपने संसाधनों से अपनी व्यवस्था से एजेंसियों को हम उपलब्ध कराएंगे। हम किसी प्रदेश सरकार पे, हम किसी की देश सरकार पे कोई दबाव डालने नहीं जा रहे हैं, हम यहीं का जनता का पैसा ईमानदारी से उनका आया हुआ पैसा उनको वापस करने जा रहे हैं। मुझे पता है बजट कितना आता है, किस परिस्थितियों में आता है और कैसे आएगा और कैसे व्यवस्था बनेगी, मेरी पूरी योजना बनी हुई है। या हमने वाटर टैक्स को माफ करने की बात करी है, 25% हमने हाउस टैक्स माफ करने की बात करी है, हमने कहा है कि एयर एम्बुलेंस और फ्री कोचिंग जो बच्चे हैं बेचारे पढ़ लिख नहीं पाते हैं और दिक्कत आ जाती है कोचिंग में, उनका भविष्य चौपट होता है, तो फ्री कोचिंग की व्यवस्था उनकी कराऊंगा। तमाम ऐसे गार्जियन है, अभिभावक हैं जो बेचारे पैसे के अभाव में फीस नहीं जमा कर पाते बच्चों, वो चौपट हो जाता है, इसलिए मैंने उनकी व्यवस्था करी है। फिर मैंने कहा है कि 10,000 रुपए आवेदन करता महिलाओं को मैं 10,000 रुपए भत्ता दूंगा। क्यों दूंगा जी? मैंने देखा है कि अगर विडो हो गई लड़की उसका भविष्य चौपट हो जाता है, वो जब मदद लोगों से मांगने जाती है उसे किस किस जलातों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर किसी के सामने भिक्षा मांगने की स्थिति में ना आए। आपने सिख समुदाय से देखा होगा, सिख समुदाय का एक भी व्यक्ति कहीं भिक्षा मांगते आपको नहीं दिखेगा। क्यों? वो लोग जानते हैं अगर उनके यहाँ कोई कमजोर होता है सब लोग मिलकर मदद कर देते हैं। मैं उन शिक्षाओं को लेते हुए मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बहन बेटी किसी से मांगने जाए, इसलिए किसी की शादी छूट गई है जी। किसी का पति शादी ब्याह हो गई, पति शराबी हो गया, अब शराबी होने की वजह से बेचारी वो दंड भोग रही है, परेशान है, दुखी है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, परिवार में संघर्ष कर रही है, ऐसी महिलाओं के लिए हमने, ऐसी लड़कियों के लिए मैंने 10,000 रुपए वेतन व्यवस्था करी, इसमें इज्जत से मान सम्मान से रह सके। मेरी कोई भी बहन अगर शादी छूट जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगा, समझे आप? इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए बहन बेटियों के लिए 10,000 की वेतन भत्ता की व्यवस्था करी है। और उसके बाद जो है फ्री एम्बुलेंस और एक डॉक्टर की टीम, कहीं कोई बीमार हो जाता है हमारे यहाँ कॉल आएगी, नगर निगम में एक आदमी बैठा होगा, कॉल आने पर वो टीम एम्बुलेंस सहित फर्स्ट क्लास आईसीयू एम्बुलेंस के साथ वहां जाएगी, टीम जाएगी, अगर वो इलाज करने लायक है वहां इलाज करेगी, नहीं फिर नर्सिंग होम में एडमिट कराने का काम करेगी। तो ये मैंने व्यवस्था करी है। तो नीरज जी ये बताइए, आपने शिक्षा की बात उठाई, शिक्षा का मुद्दा उठाया था, तो अभी प्रयागराज में ऐसे कई नगर निगम के स्कूल है जिनकी व्यवस्था बहुत खराब है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? वाह क्या बात है, बहुत आपको धन्यवाद जी। मेरी नजर है जो नगर निगम के कॉलेज चल रहे हैं उनको सौंदर्यीकरण करा के जी, बहुत उनमें आलीशान बिल्डिंग बना करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी चटाई बिठा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करा करके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके बहुत अच्छी व्यवस्था करके, उसमें और तमाम तरह के बच्चों की व्यवस्था बना करके मैं वो बहुत ही अच्छी शिक्षा का वातावरण पैदा करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे निर्दल लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपको क्या लगता है आप कितने मजबूत हैं और महापौर के जो प्रत्याशी हैं? अच्छा मुझे ये बताइए जी,
मैं देश के लिए काम कर रहा हूं जी। इस देश की प्रयागराज की जनता देश के लिए काम करने को वालों के लिए साथ देगी कि यहां प्रयागराज की जनता जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, दल के नाम पे शराब की पन्नी पूरी कचौड़ी बदले के आग में लोग डल रहे हैं उनके साथ खड़ी होगी, जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके। हाँ तो मैं हमारा मानना है कि हम देश के साथ खड़े हैं, देशवासी मेरे साथ खड़े जी। मैंने कभी अपने को अकेला नहीं माना और देश में रहने वालों को अपना भगवान माना। मतलब आपको ये लगता है हाँ जनता आपको सपोर्ट करेगी? करेगी तो उसी का उसी वो करेगी बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? हम कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करती है जी तो क्रांत कर दो, देशभक्तों का पान है मेरा, इसमें कोई किसी तरह का मेरा कोई वो नहीं। अच्छा चलिए अब स्वास्थ्य पे आते हैं, आपको ये नहीं लगता कि हर वार्ड में एक केंद्र स्वास्थ्य का केंद्र होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जनता के हित में तो क्या क्या नहीं होना चाहिए। अभी मेरी सब योजनाएं हैं मेरे दिमाग में है, जब मैंने इसलिए कहा ना व्यक्ति व्यक्ति को सुखी बनाना मेरा संकल्प है, मैं बाकायदा लगा हुआ हूँ 25 साल के तजुर्बे के बाद मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोकल लेवल का चुनाव है और ये स्वतंत्र जनपद की सरकार कहलाती है, तो मैं कुछ करने लायक बन पाऊंगा, करूंगा अच्छे से करूंगा, भूखे प्यासे रहकर देश समाज को अच्छी दिशा दूंगा। अच्छा हमने ये सुना है नीरज जी की जो नगर निगम के जो कर्मचारियां होते हैं वहां पे लोग की जरूरत 10 लोगों की होती है पर लेकिन वहां पे 6 लोग को ही रखा जाता है, 4 लोग का वेतन खाया जाता है सरकार या फिर जो ऊपर स्तर के लोग है वो उनकी पेमेंट खाते हैं, सैलरी तो पूरी आती है लेकिन हाँ 6 लोग को रख के 4 लोग का वेतन। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वहां के अंदर ही गंदगी है जी। और ये सच है कि शपथ ग्रहण के बाद जी, शपथ ग्रहण के आधे घंटे के बाद आपको ऐतिहासिक फैसले सड़क पे दिखाई पड़ेंगे, अगले दिन से ये लगेगा कि वास्तव में मुझे आजादी का सही स्वाद मिल रहा है और आज प्रयागराज में वो जो 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 होना चाहिए ना जो जो ओरिजिनल सरकार होनी चाहिए उसका रूप सही सही दिखाई पड़ेगा, ऐतिहासिक सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक सरकार बनाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। अच्छा जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं और रोड चौड़ीकरण होने के कारण उनको हटा दिया गया है तो वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? मैंने 1 लाख दुकानें बनवाने के लिए संकल्प लिया, मैं प्रयागराज नगर निगम की सीमा के अंतर्गत 1 लाख दुकानें बनवाऊंगा और दुकानें मल्टी स्टोरी बनवा सकता हूँ, कोई भी बेरोजगार यहाँ नहीं रहेगा, बेरोजगार कतई नहीं रहेगा, ये मेरे संकल्प में है, रोजगार जरूर होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है कि सब व्यवस्थाओं के साथ में कर लूं, मैंने उसमें घोषणा पत्र मेरे है कि मैं 1 लाख दुकानों बनवाने का भी काम करूंगा। अच्छा जैसे कि हर घर में पानी का सप्लाई तो होता है, जल निगम देती है पर लेकिन तब भी आरओ का पानी हर घर में जाता है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो जल का विभाग है उसको हर घर में आरओ का भी सप्लाई करा देना चाहिए? मैंने इस बात को कहा अपने घोषणा पत्र में दर्ज किया है जी कि आरओ प्लांट लगवा करके स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाऊंगा, ये मैंने ऑलरेडी बोल रखा है जी, तो ये तो मेरे उसमें संकल्प में देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, पानी है ना, और ये सब सौंदर्यकरण ये तो नगर निगम की सीमा में है, वो तो मेरा नैतिक धर्म है, इसीलिए मैंने कहा है जो सफाई कर्मचारी है जी, जी। वो नगर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उस किसी को 32,000 मिल रहा है, किसी को 14,000 मिल रहा है, किसी को 7,000 मिल रहा है, तो हमने कहा समान कार्य समान वेतन के तहत उसको 32,500 अगर किसी को मिला 32,500 उसको मिलेगा, ये 14,000-7,000 कोई नहीं पाएगा, और शहर में ऐतिहासिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, शहर में एक बार झाड़ू लगती है ना जी, सुबह लगाने पर झाड़ू नहीं लगती ना, आप देखेंगे कि साइकिल पर झाड़ू लेकर के सफाई कर्मचारी बड़े उत्साह से इस समर को शहर को कैसे चमकाता है, आप सब लोगों को आश्चर्य लगेगा। तो जैसे नगर निगम में जो कर्मचारी होते हैं अंडर सोर्सिंग वाले उनकी वेतन महीनों महीनों भर तक रोक दी जाती है, तो उनके लिए क्या? देखिए मैं वहां जब पहुंचूंगा वो स्थिति में आ जाऊंगा तो आपको महसूस होगा कोई शिकायत नहीं बची है, क्यों? क्योंकि मेरे पास तजुर्बे हैं, उन तजुर्बों के आधार पर काम करना है और लोगों को महसूस होगा कि महापौर मैं हूं, बिल्कुल ये व्यक्ति व्यक्ति को महसूस होने लगे कि डॉक्टर नीरज महापौर नहीं है, महापौर तो मैं भी हूं, वहां के सफाई कर्मचारी महसूस करे, वहां के वर्कर भी महसूस करे महापौर तो मैं हूं जी। और वो मैं जब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी इज्जत आपके हाथ है और आपकी इज्जत मेरे हाथ है, ना हम आपको सताएं ना आप हमें सताओ, तो बहुत अच्छे सिस्टम चलेगा। अच्छा नीरज जी जो 20 वार्ड बढ़ गए हैं वहां पे शुरुआती मतलब शुरुआत तो शुरू से ही करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपकी कठिनाई बढ़नी जाएगी? कोई कठिनाई नहीं है, देखिए हिम्मत हौसला होना चाहिए, जब हिम्मत हौसला होता है ना तो सारी चीजें बहुत आसानी संभव हो जाती हैं, बस केवल जब आपका मन छोटा हो जाएगा ना आपकी सोच सोची हो जाएगी, सोच जहाँ छोटी हुई ना वही विवाद है ना, तो बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, निदान अपने आप हो जाएगा। तो जैसे कि प्रयागराज बड़ा शहर है स्मार्ट सिटी में, तो स्वच्छता पे आप कैसे ध्यान देंगे?
भाई मैंने कहा सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी जिनको हम जो जो भेदभाव है उसको समाप्त करेंगे, और भेदभाव समाप्त करने के बाद में जब उनका भेदभाव समाप्त करेंगे तो वो प्रयास नहीं करेंगे कितना स्त्री में चंपा के रखूं, जहां पे पोछा नहीं ले सकता वहां पोछा लगाने का काम होगा, है ना। उनका उनका सम्मान, उनका सम्मान मेरा सम्मान, मेरा सम्मान उनका सम्मान। नगर निगम परिक्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर आपने किस तरह से योजनाएं बनाई है? मैंने बताया ना फ्री एम्बुलेंस हमारे पास व्यवस्था रहेगी, किसी को परेशानी होती तुरंत उसका होगा, डॉक्टर की टीम बाकायदा घरों में जाकर, उनको कहीं आना नहीं पड़ेगा, घरों में जाकर के बहुत विषम परिस्थिति होगी तो उनको कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर के कहीं एडमिट कराने काम करेंगे नहीं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन डॉक्टरों की टीम जाकर के घरों पर इलाज करके उनको सही सलाह देके सही दवा पहुंचा करके उनकी रक्षा सुरक्षा कर सके। अच्छा नीरज जी, आप वर्तमान जो महापौर थी उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन का बहुत सत्य एक है जी, किसी ने क्या किया मुझसे मतलब नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं इस पे बात करिए, है ना। उनका कार्यकाल था कैसा था, किस तरह का था, मैंने कभी मैं जब मैं किसी के साथ खाया नहीं बैठा नहीं घूमा नहीं टहला नहीं, मैं क्या उसके बारे में बताऊं, पर मैं जो करने जा रहा हूं वो ऐतिहासिक होगा, ये मेरा संकल्प है। अच्छा तो जनता डॉक्टर नीरज को क्यों चुने, ऐसा मतलब क्या आप में स्पेशल है? डॉक्टर नीरज को इसलिए चुने जी कि आजादी के बाद से अब तक जी समझे ना जी, ये जो घोषणा पत्र है मेरा किसी ने नहीं बनाया है, और ये घोषणा पत्र जैसे एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह समस्या और जो है परेशानियों को खत्म करने का ये भी एक आंदोलन है, समझे ना। सभासद को भी हमने कहा है, सभासद को 30,000 रुपए भत्ता देने के लिए कहा है कि कम से कम वो अगर हमारी वहां मिनी सदन का मेंबर है तो उसको सम्मानजनक स्थिति में लोग देखें, ये ना कहें उसको पता हो 30,000 रुपए इसको भत्ता मिलता है, ये ना कहें कमीशन खोरी करता होगा, उल्टा सीधा पैसे ले लेता होगा, कोई उस तरह खुरापात करता होगा, तो ईमानदारी से लोग काम करेंगे और यहाँ की पब्लिक इस बात को महसूस करेगी कि हमने वोट देश के लिए दिया, प्रयागराज के लिए, कर्मकर्ता सम्मान के लिए दिया, वो खुद गौरवान्वित महसूस करेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा नीरज जी, बिजली सड़क और पानी के अलावा महापौर की और क्या जिम्मेदारी होती है उसको? देखिए महापौर, महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, और अगर नगर नगर का प्रथम नागरिक है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे कहीं भी पूरे शहर की जो भी समस्या हर व्यक्ति को प्रथम बनाए, समस्या कोई भी हो जी, किसी भी तरह की हो जी, उसको सॉल्व करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी जी, मेरी नैतिक, चाहे लाइट की हो चाहे पानी को, अगर नगर में है कोई भी समस्या है तो बहुत सारी चीजें हमें करनी है, बहुत सारी चीजें सहयोग लेके करनी, बहुत सारी चीजें हाथ जोड़कर करनी है, बहुत सारी चीजें सब लोगों के संगठन से इकट्ठा करके करनी है, बहुत सारी चीजें और भी जिला प्रशासन से करानी, सब हमें भी करना, जो जो हम नहीं कर सकते लोग करेंगे जी। मगर हाँ महानगर का व्यक्ति व्यक्ति ये महसूस करेगा कि मैं आजादी का सही स्वाद पा रहा हूँ। अच्छा नीरज जी, ये बताइए महापौर बनने के बाद आप सभासद से किस तरह का संबंध रखेंगे? वाह क्या बात है, वो मेरे मिनी सदन का सदस्य होगा जी, मेरा बाएं हाथ दाहिना हाथ होगा, मेरे संबंध तो उससे हाथ जोड़ के रहेंगे और कहेंगे कि आइए हम सब लोग मिलकर के एक ऐतिहासिक सरकार जो बना रहे हैं इसमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले किसी को दुख ना होने पाए, हम तो ये कहेंगे सभासद, सभासद हमारा जो इतना बढ़िया साथी होगा कि जिसके पास मोहल्ले में कुछ नहीं होगा उसके पास नहीं होगा, लोगों से सहयोग मांग के भिक्षा मांग करके सही लोगों की मदद करेगा, ऐसा ऐसा संबंध मेरा आपसे रहेगा, अच्छे संबंध। तो डॉक्टर नीरज आप ये बताइए, आप कोई बड़े दल से क्यों नहीं, आप निर्दल क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हम देश के लिए काम करें, प्रयागराज के लिए काम करें, किसी व्यक्ति के लिए और दल के लिए काम करें, आप मुझे बताइए। या प्रयागराज के लिए काम करें तो फिर प्रयागराज के लिए काम कर रहा हूँ, दल में रह करके तो नहीं कर सकता, हमें घोषणा पत्र मैंने बनाया जी, अगर मैं यह इस तरह नहीं होता, अपना 25 साल तजुर्बा नहीं होता, हम इसमें ना लगे रहते हो घोषणा पत्र बना सकते। तो आपको ये लगता है कि जो पार्टी से लड़ते हैं कोई पार्टी विशेष से वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करते? अपने मुखिया कहने करेंगे ना जी, बस कैसे कह सकते हैं, मुझे बताइए आप कैसे वो अपने अपने मन का कैसे कर सकते हैं, इस तरह कोई प्रत्याशी घोषणा पत्र बना लेगा पार्टी से निकाल दिया जाएगा जी, तो भाई ये बात तो उनके सामने संकट है ना, मगर मेरे सामने संकट नहीं ना। तो आप अपनी लड़ाई किससे बांधते हैं, बीजेपी सपा या कांग्रेस? भैया मैंने आज तक ना किसी से लड़ाई लड़ी है और ना मैं किसी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं देश समाज के लिए काम करता हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा जो भी लड़ाई है मतदाता से, जो मतदाता लोकतंत्र का रखवाला भारत का भागीदाता है वो नैतिकता पे आ जाए, देश समाज के लिए मतदान करे, समझे, उस जात धर्म से दूर हट जाए, शराब की पन्नी पूरी कचौड़ी खा करके देश समाज को ना तोड़े, मेरी लड़ाई अगर किसी से तो मतदाता से है, इसलिए है कि क्रांतिकारियों देशभक्तों का अपमान ना होने पाए, उन्होंने आपके लिए जान की बाजी लगाई है।
तो डॉक्टर नीरज जी आप ये बताइए कि आप जीत की मार्जिन कितना लेकर चल रहे हैं, कितना? देखिए मैं तो मतदाता से ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रत्याशियों की जमानत होनी चाहिए जी। मेरा तो ये कहना है क्योंकि हम देश हित में क्षेत्र हित में आने वाली पीढ़ियों के लिए कानून सम्मान में देश के नव निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं जी। हम व्यक्ति व्यक्ति को सुखी बनाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का दुख दूर करने का संकल्प ले रखे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी और को वोट देना चाहिए। तो आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल मेरी बहुत जनता से मेरी अपील है कि क्रांतिकारियों देशभक्तों ने आपके लिए जान की बाजी लगाई है, वोट देने के लिए आपके हर घर के हर हाथ को ताकत दी है। आप इस वोट को देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए, देश के नव निर्माण के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को मुद्दा बना के दीजिए। आप किसी बदले के आग में मत जलिए, नफरत के आग में मत जलिए, जिससे देश और समाज अच्छा बने, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो और हमारी जो योजनाएं हैं मैं उनको खूब अच्छे से लागू कर करके व्यक्ति व्यक्ति को सुखी बना सकूं, यही मेरी जनता से अपील है। तो डॉक्टर नीरज जी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपने हमारे एमटी टॉक शो में अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी थे जो निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमसे काफी मुद्दे पे बातचीत की, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी बनाया है जिसमें उन्होंने काफी योजना डाली हुई है। उनका यही कहना है अगर वो महापौर बनते हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा हर एक क्षेत्र में वो अपने ढंग से काम करेंगे, वो किसी दल के साथ इसीलिए नहीं है कि वो किसी के अंडर में या किसी के प्रेशर में आके काम करना नहीं चाहते, वो अपने तरीके से प्रयागराज को सुधारेंगे, उसका सुंदरीकरण करवाएंगे। तो उनके साथ बातचीत करके हमको काफी अच्छा लगा, ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक्स को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, मैं सुश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ। Light up the room, feel the sun and days glow.